हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं अखंडा मूवी का प्री इंटरवल सीन, जिसको हम हॉस्पिटल फाइट सीन भी बोलते हैं। तो ये सीन देखने के लिए कमेंट में बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये सीन देखो। और आज फाइनली हम ये फाइट सीन देखने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी होना देखने के लिए। तो चलो देख लेते हैं। पता नहीं कौन से पहाड़ का देव हावी हो गया है सर। मुझे नहीं पता कि शैतान ने उसे छुआ। जरा देखिए लाइन की तरफ, देखिए ना सर, यह अभी इस दुविधा के पल में कैसे पैदा हो सकता है। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? मुझे समझ नहीं आ रहा सर। हाँ, मैंने सब ट्राई किया, मुझे वायरस पॉइजन या केमिकल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। इन सभी लोगों के सिर्फ एक ऑर्गन डैमेज नहीं बल्कि कई सारे ऑर्गन डैमेज हैं। और इन पर कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा है। ये छोटे बच्चे ही तो हैं सर, हम इन्हें दवाई कैसे देंगे? व्हाट द हेल इज हैपनिंग?
इसे धूल में मिला दूंगा। ए, मैं मौत का दूसरा नाम हूँ। और मैं तेरी मौत हूँ। मैं तबाही हूँ। तो मैं प्रलय हूँ। तू मुझे छू नहीं पाएगा। तू मुझे छेद नहीं पाएगा। मैं जानवर हूँ। तेरा शिकार करने वाला चैन हूँ मैं। दूध देने वाले जानवर को मारा, जीवन देने वाले पानी को अशुद्ध किया, मेरे लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सारे। मर्यादा, मर्यादा, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम बिहेवियर, नॉट फ्रॉम बेगिंग। मैं अंतपुरम वरदा राजन हूँ। तू किसी महल में पैदा हुआ तो मैं यही अनंतपुरम में पैदा हुआ हूँ। सही हो या गलत, लेकिन मेरे लोगों की जान पे खतरे में डालेगा तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मैं उसके घर जाता हूँ, उसके सर के साथ। तू मेरा सर काटेगा? एक बार मैदान में आ जाओ तो मैं बिना ब्रेक का बुलडोजर हूँ, लड़की में बना दूंगा। भाई नहीं भाई हूँ, पानी से चाहे जहाँ से आ, लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तेरे शरीर का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। तो आ जा, आ जा। मिस्टर मुरली सुनिए, ये माइनर वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन हॉस्पिटल में आपकी ज्यादा जरूरत है सर, चलिए सर। अगर मेरे लोगों को कुछ हुआ तो तू गया। भैया मेरी बात सुनो, अभी उसके साथ कलेक्टर भी है। भैया ये सही मौका नहीं है, कलेक्टर आपके खिलाफ सबूत ले लेगा। भैया आपको अंदर कर देंगे ये लोग, आप अभी शांत रहिए, हम इसकी बात में बचाएंगे सर। एक मामूली सा गली का गुंडा इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ माइनिंग कर रहा है, इसके पीछे जरूर किसी और का दिमाग है। थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। याद रखना, अगर कुछ नहीं किया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। आप है ना सर, आपके होते हुए अभी क्या होगा। किसी को कुछ नहीं होगा, ना किसी की जान जाएगी और वाइन भी जल्दी बंद हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बेटा पापा, ये कैसे हुआ पापा? ये खेलते खेलते अचानक गिर गई थी और अब तक इसने आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर, तेरे मन को शांति मिल गई ना? वहां उन लोगों की लाशें दीवारों पर चिपक रही होंगी। ओह, ये सब इसने करवाएगा? मौत का मृदंग बजता है तो अच्छे अच्छों को ले डूबता है।
स्वामी आपको कैसे पता चला? तुझे क्या लगता है अपनी रचना का मुझे ज्ञान नहीं? अब उसका क्या? हमें इस पाप का जिम्मेदार किसी को बनाना ही है, वो मुझ पर छोड़ दो। माय गॉड यार गाइस, सीरियसली में बहुत बढ़िया सीन था वो। क्या बोलते, एक से एक यूनिक शॉट हो रहे थे। पहले जो माइंड में फाइट आया था उस पर जब वो चल के जा रहे थे और जो पूरे दो व्हील ऐसे आ रहे थे आगे ऐसे वो एक जा रहा था और बीच में वो चल के आ रहे थे, वाव यार क्या शॉट लिया था वो। और एक शॉट मुझे बहुत पसंद आया, वो जो व्हील था वो पूरा ऐसे खड़ा था और एक पैर से दूसरे पैर, एक पैर नीचे रखा दूसरा ऊपर फिर नीचा है, पूरा बहुत बढ़िया शॉट। वो जो स्लो मोशन था बहुत बढ़िया दिख रहा था, वाकई में बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट थी। और ये तो पूरा मूवी वो बिल्कुल छूने वाला, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन मुझे बहुत पसंद आए। और एक गुड न्यूज़, ये मूवी कल हम थिएटर में देखने जाने वाले हैं, तो आप पूरे मूवी का रिव्यू एक साथ ही मिलेगा आपको अगले वीडियो में, तो देखते रहना ठीक है। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।